भोपाल से एक बड़ी खबर है, सीओ को धमकाने का मामला सामने आया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ की हड़ताल चल रही है। संघ ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। मंत्री लाखन सिंह के भतीजे पर धमकाने का आरोप है। संजय यादव ने विजयपुर सीओ को धमकी दी थी। 2 दिनों की हड़ताल पर है प्रदेश भर के सीओ और अपने अपने जिलों में कलेक्टर्स को ज्ञापन देंगे। आकांक्षा लगातार बनी हुई है हमारे साथ। आकांक्षा, प्रशासनिक कामकाज में एक बार फिर खलल देखी जाएगी और आम लोग ही परेशान होंगे, लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो सीओ लामबंद है, कैसी ये हड़ताल रहने वाली? बिल्कुल, देखिए तृप्ति, हमेशा की ही बात है कि हर बार यही होता है, मंत्री विधायक जो है वो अफसरों को लेकर, अफसर और मंत्री विधायकों में हमेशा तनातनी ही रहती है, क्योंकि मंत्री जो है वो अपने को अफसर से ज्यादा ऊपर मानते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिस वजह से जो अफसर है वो नाराज हो जाता है। और ये बहुत गंभीर मामला है। मंत्री लाखन सिंह यादव के जो भतीजे हैं संजय यादव, उन्होंने विजयपुर सीओ को धमकाया, उनके पास बातचीत करने के लिए गए थे, जिस दौरान वो वीडियो बना रहे थे उस दौरान उनका फोन भी छीना गया, जिसके बाद हालांकि उन पे एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इसके बाद बावजूद भी प्रदेश भर के जितने भी सीईओ हैं वो सभी 2 दिनी अवकाश पर, मतलब आकस्मिक अवकाश या कहें या फिर हड़ताल कहें, उस पर रहेंगे और अपना जो ज्ञापन है वो कलेक्टर को सौंपेंगे। साफ कहना है सीईओ का कि चलिए नजर रखेंगे। आकांक्षा, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। संघ की हड़ताल घोषित हुई है, संघ ने 2 दिन की हड़ताल इस मामले में की है और 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। मंत्री लाखन सिंह के भतीजे पर धमकाने का आरोप है। आपको बता दें कि संजय यादव ने विजयपुर सीईओ को धमकी दी थी, जिसके बाद सीईओ ने 2 दिनों की हड़ताल घोषित की है। प्रदेश भर के सीईओ अपने अपने जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे और 2 दिन की हड़ताल पर सीईओ ज़रा जानकारी लेंगे हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा से। आकांक्षा, मंत्री के भतीजे पर आरोप है कि उन्होंने धमकाया है सीईओ को और अब इस बात पर तमाम सीईओ जो हैं वो हड़ताल पर 2 दिन के। बिल्कुल आरक्षण, देखिए सबसे पहले तो ये पूरा मामला भोपाल का नहीं है, पूरा मामला श्योपुर के विजयनगर का है। श्योपुर के प्रभारी मंत्री हैं लाखन सिंह यादव, उनके भतीजे ने संजय यादव ने वहाँ के जो जनपद सीईओ हैं उनको फोन किया और उनसे कोई ऐसे काम करने की बात कही जो कानून के विरुद्ध थे। इसी के बावजूद जब उन्होंने मना किया तो उसके बाद उन्होंने उसको गाली गलौज करी और धमकी दी, जिसके बाद जो सीईओ थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है संजय यादव के खिलाफ। उन्होंने साफ कहा है कि चूंकि मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ और मुझे मेरी जान का खतरा है और इस तरह ये संजय यादव है जिन्होंने मुझे ये फ़ोन करके धमकी दी है कि मैं लाखन सिंह यादव का भतीजा हूँ और मेरे साथ गाली गलौज करी है, जिसको लेकर मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ और मैं इस पर एफआईआर करना चाहता हूँ। हालांकि इस पूरे मामले में एक के बाद अगर बात करें तो एफआईआर भी हो चुकी है, लेकिन जो पूरे सीईओ हैं, जनपद सीईओ हैं, उनका ये कहना है कि हम चूंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, हम सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन मंत्रियों के जो रवैये होते हैं वो अफसरों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। हर बार ऐसी कोई ना कोई घटना ज़रूर सामने आ जाती है जिसमें मंत्री जो हैं या उनके जो परिजन हैं वो दुर्व्यवहार करते हुए अफसरों से दिख जाते हैं, जिसके बाद सीईओ ने साफ कहा जब तक मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे जो हैं वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हड़ताल बंद नहीं होगी। 2 दिन की आकस्मिक हड़ताल पर गए हैं सीईओ 7 और 8। देखिए जो जनपद सीईओ होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ग्राम पंचायत का जितना भी काम होता है वो सभी ये सीईओ करते हैं। अगर ये 2 दिन की हड़ताल आकस्मिक हड़ताल है और अगर ये हड़ताल लंबी खिंचती है तो लाजमी है कि ग्राम पंचायत के जो काम है वो जरूर प्रभावित होंगे। देखिए ये मध्य प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ये तीसरा मामला है। अगर हम बात करें इससे पहले तो इंदौर में तुलसी सिलावट के भांजों ने भी इस तरीके की हरकत करी है, रामबाई के जो देवर हैं वो भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं और बीजेपी के जो बड़े मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय उनके बेटे भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो मंत्रियों के जो परिवारजन हैं या जो नेताओं के परिवारजन हैं वो अफसरों के साथ इस तरीके का तानाशाह व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, चलिए खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा।